तो गाइस अभी जाल लग गया कहते जिसे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 5 रुपए तक लूटे हैं भगत सिंह भूत के आल के भरत सिंह भूत के। क्या बोला तूने? सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अभी जा रहे हैं धर्मशाला। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग यहाँ धर्मशाला में ही हैं, मैकलॉडगंज में, अपने माउंटेनिंग के लिए। आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। तो आज हमारा फ्री है डे, हमारा लास्ट डे है, आप ये भी कह सकते हैं। आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है, और तो हम थोड़ा हल्का फुल्का शॉपिंग करने और थोड़ा घूमने शायद धर्मशाला स्टेडियम। हम मैकलॉडगंज से धर्मशाला जा रहे हैं, और ये आ रहे हैं पीछे से कुछ पागल लोग, पूरे के पूरे पागल। और आज हमारे बाबू भैया जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। हाय दोस्तों, मैं भरत सिंह गुप्ता एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बाबू भाई कहाँ? आज गाइस धर्मशाला। हाँ तो गाइस आज हम सब लोग जा रहे हैं धर्मशाला। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हम ऐसे तैयार हुए हैं जैसे हम शादी में जा रहे हैं। मतलब पहली बार जीवन में बाबू भैया स्मार्ट लग रहे हैं। पहली बार जीवन में नहीं, इन्होंने मेरे को जीवन में आज ही देखा है पहली बार। हम नोटिस आज किए हैं ना, बस यही है। और फिलहाल हमारे साथ मैडम है। अच्छा हुआ मैडम लोग आगे चले गए, क्योंकि हमें बहुत कष्ट होता है उनके साथ चलने में। क्योंकि भाई मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, हम परसों के ब्लॉग की बताते हैं। हमें आपका ये हमारा अभी कौन सा त्रिउंड वाला ब्लॉग आया है, उसमें आप लोग देखोगे तो हम देखा, हम मैडम के साथ आए थे, उसमें हमें कम से कम 2 घंटे लग गए थे आते आते। और ये हमारे व्हाट इज योर नेम, शिवानी, आगे चल रही है जम्मू की, पता नहीं कहाँ की। इसने मेरे को पूरी नहीं खिलाई कल, इसे पूरी खिलानी थी, पर आज 25 रुपए किराया देगी। देखते हैं क्या होता है आगे आगे चलते। ये हर्षिता है, पता नहीं क्यों इसकी चूट लगी, ये रोज हमारे अंडे खाती है। प्यारे हैं कि मुझे अंडे खिलाते हैं, ये रोज हमारे अंडे चूट के खाती है। मैं अंडे नहीं छोड़ती। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी लग गया है कहते जिसे फाइट करेगी। साली ने हमसे 5 रुपए तक लूटे हैं भगत सिंह भूत के आल के भरत सिंह भूत के। ओके मिलते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल हम सब लोग जा रहे हैं धर्मशाला, जो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में। हम यहाँ से अपना जो व्हीकल रहेगा वो हमारी रहेगी बस। हम यहाँ से बस से जाने वाले हैं। तो गाइस फाइनली कोई मोड नहीं था हमारा, लेकिन हम अभी जा रहे हैं ज्वालाजी। ज्वालाजी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ज्वालाजी देवी का मंदिर है ना भाई, देवी का मंदिर है ज्वालाजी, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हमारा कोई प्लान नहीं था, हम क्रिकेट स्टेडियम जाने वाले थे, टी गार्डन देखने वाले थे, पर अचानक से प्लान बना, बस रुकी और हमें बोला गया चलो और हम चल। गाइस फाइनली हम ज्वालाजी मंदिर पहुंच चुके हैं, फाइनली। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ज्वाला देवी मंदिर के द्वार पर। अभी हमें यहां से करके चलना है कम से कम 1 किलोमीटर। आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी वाइब्स हमें आ रही है, अच्छी अच्छी कन्याएं हमें दिख रही है, अच्छे अच्छे लोग हमें दिख रहे हैं, सब चीज अति सुंदर ना, अद्भुत यार अद्भुत। और यहाँ हमें देखते हैं खुशबू से भी बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने प्रसाद ले लेना, हमने नहीं लिया है, लिया तो मैडम ने है हमारे पास, हमारा ही था, हमारे मैम ने आ गई है। बाकी देखते हैं गाइस आगे चलते क्या होता है। मैम ने प्रसाद लिया है हमारे पास, तो बात अलग है, जोर से बोल लो जय। तो फिलहाल बहुत भीड़ है, हम लाइन में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ी है। बहुत भीड़ है, बहुत खराब बहुत ज्यादा भीड़ है। कोई नहीं आज लेट होगी कोई दिक्कत नहीं, खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही खाना नहीं मिलेगा, लेकिन हम दर्शन करके जाएंगे आज बस। दोस्तों हमारे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं माता के दर्शन करने, तो सबसे पहले हमारी बाबू लगी हैं, ये बाबू, फिर उनके बाद मैम, और फिर मेरा दिव्य दर्शनी, फिर हमारे सर जी हैं, फिर ये हमारी हर्षिता दीवन। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आ सकते लाइन के पीछे हूँ, और देख सकते आप बहुत ही श्रद्धालु बन दूर दूर से आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पर। तो दोस्तों ये अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र है, यही नहीं अकबर ने कई जगह अपने छत्र चढ़ाए हुए हैं। देख सकते हैं माता रानी की प्रतिमा के जस्ट बगल में अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र है ये। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं, और हम अभी वापसी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें 5 बजे रिपोर्ट करनी थी, लेकिन अभी बज चुके हैं हमारे 4, यही बज चुके हैं। यहाँ से हमारा 3 घंटे का रास्ता और है, और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम जैसे पहुँचते हैं आपको जरूर बताते हैं। इस मंदिर की बहुत खूबियाँ हैं, कहा जाता है यहाँ बहुत चमत्कारी हुआ था, यहाँ पे अकबर ने अपना छत्र भी चढ़ाया गया था, बहुत चीज़ें हुई थी बाकी जिस पर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप चलते रहिए, बने रहिए। तो बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमारा नंबर आ गया, माता रानी के दर्शन हो गए, तो हम दर्शन करके अभी गेट से तुरंत बाहर आ ही रहे हैं। तो बहुत सुकून मिला दिल को,
इतने दूर से चल के आए थे, तो हमारी यात्रा सफल हुई। इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है, इसलिए हमारे सर भी आ रहे हैं। तो अब हमें जल्द से जल्द अपने बेस कैंप में पहुंचने का इंतजार है, बाकी देखते हैं अब कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। आज हमारे कैंप का लास्ट डे भी है, तो हमें वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है। वहाँ पे हमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी करना है, उनके लगाने हैं आज। तो मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टेशन में। दोस्तों जाते हो मिले थे हमें पान वाले भाई जी, तो हमने वही आज कोई नहीं आती और अगर आप ज्वाला वो वीडियो बहुत तगड़ी बनती। तो गाइस हमने लिया एक पान, पान जो हमें 40 रुपए का पड़ा है यहाँ पे, बहुत महंगा है, सीधा दुगना वाला रेट है, 40 रुपए का पान मिला है। पर ऐसा है कि भाई ने बोला है कि खा के मजा आ जाएंगे, देखते हैं क्या होता है खा के। बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही मजेदार होते हैं। आप आपको खा के दिखाते हैं। गाइस बहुत अच्छा पान, बहुत अच्छा। तो यार पान तो बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार। तो दोस्तों हमें लग रही थी पानी की प्यास, तो हमने मैम से कहा कि मैम हम पानी की बोतल लाते हैं, आप आगे को चलिए। तो मैम ने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कुछ खा पी लेते हैं। तो हमने एक लेमन सोडा की दुकान देखी, तो हमने कहा मैम लेमन सोडा हो जाए, तो मैम ने कहा ठीक है। तो हमने कहा मैम आपकी बर्थडे की पार्टी भी इसी में हो जाए तो सही रहेगा। मैम ने कहा ओके, तो अब हम लेमन सोडा की पार्टी करने वाले हैं, मैम की बर्थडे की और इंदिरा के बर्थडे की। तो गाइस आज हमें मैम ने पिलाया है लेमन सोडा मैम ने पिलाया है, बहुत एंजॉय किया। पहले हमने पान खाया था, अब हम लेमन सोडा पी लिया। नहीं ये कम से कम पेट के लिए सही रहेगा। आज हमने खाना भी चोर कर दिया अपना, दो टाइम का देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम वापस आते हैं, जाते समय मुझे सीनरी का बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये अंधेरा ये पहाड़ी के बीच में कनेक्टिंग जो सुरंग के तरह से लगता है, अभी आउटसाइड है मैंने लिया। तो गाइस फाइनली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे हैं ज्वाला देवी मंदिर से, और हम पहुंच चुके हैं फाइनली। 7 घंटे का सफर था, 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 3 घंटे रहने के, और हमने कुल्फी खाई, पान खाया, चॉकलेट खाई, और क्या क्या खाया, बहुत कुछ खाया। टट्टी भी खाई। अरे टट्टी टूटी नहीं खाते हम यार, छी जो खाए बू से आए बू, बात खत्म। बाबू ने मारी एक लाइन है, और अब देखो बस यही है, अब देखो कैसी शाइन है। मिलते हैं हमारे जलवा, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अभी रात को हमारा प्रोग्राम है, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। बाबू।